उलझना को इंग्लिश में हम वेटल बोलते हैं। वेटल मीन्स झुंझुना। और पालना को इंग्लिश में हम क्रेडल बोलते हैं। क्रेडल मीन्स पालना। बच्चों की मालिश करना को इंग्लिश में मसाज बोलते हैं। मसाज। शिशु जो होता है उसको हम इंग्लिश में बेबी और इन्फेंट बोलते हैं। बेबी या फिर इन्फेंट। शिशु अगर लड़का होता है तो उसको हम बेबी बॉय बोलते हैं। बेबी बॉय। और शिशु अगर लड़की हो तो उसको हम बोलते हैं बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। और नवजात शिशु को इंग्लिश में हम न्यूबॉर्न बेबी या फिर न्योनेट बोलते हैं। न्यूबॉर्न बेबी या फिर न्योनेट। फ्रेंड्स, न्योनेट उनको बोलते हैं जो 0 से लेकर 28 दिन तक के होते हैं। नन्ना बच्चा को इंग्लिश में हम टॉडलर बोलते हैं। टॉडलर। और फ्रेंड्स, टॉडलर हम उनको बोलते हैं जो बच्चा जिसने अभी चलना सीखा हो या चलना सीख रहा हो। वेंगना या फिर घुटने चलना को इंग्लिश में क्राउल बोलते हैं। क्राउल मीन्स वेंगना या फिर घुटने चलना। गतिया जो होती है जो बच्चे के हम बांध देते हैं आगे गर्दन के नीचे सीने पे बांधते हैं ताकि अगर वो कुछ खाएं तो जो कुछ गिरे वो उसके ऊपर गिरे, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिया और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बिब। बिब मीन्स गतिया। बच्चों की बोतल को इंग्लिश में फीडिंग बोतल या फिर नर्सिंग बोतल बोलते हैं। फीडिंग बोतल या फिर नर्सिंग बोतल। रबड़ की निप्पल को इंग्लिश में हम टीट या फिर निप्पल बोलते हैं। टीट या फिर निप्पल, आप इन दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हो। दूध पिलाना को इंग्लिश में ब्रेस्ट फीड और नर्स बोलते हैं। ब्रेस्ट फीड या फिर नर्स। बोतल से पिलाना मतलब बोतल से दूध पिलाना को इंग्लिश में बोतल फीड बोलते हैं। बोतल फीड मीन्स बोतल से पिलाना। चूसनी जो होती है ये वो होती है जो बच्चे रो रहे होते हैं या फिर उन्हें भूख लग रही होती है तो उनके मुंह में हम ये लगा देते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में पेसिफायर बोलते हैं और डमी बोलते हैं। पेसिफायर या फिर डमी, आप इनमें से कोई एक बोल सकते हो। सोच का पात्र जो होता है उसको हम इंग्लिश में पॉटी बोलते हैं। पॉटी मीन्स सोच का पात्र। लोरी को इंग्लिश में हम लल्ला बाई बोलते हैं। लल्ला बाई मीन्स लोरी। और फ्रेंड, जब हम किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो इंग्लिश में गोद लेना को हम बोलते हैं लैप। लैप मीन्स गोद। ऊनी जूते को इंग्लिश में हम बूटी बोलते हैं। बूटी मीन्स ऊनी जूते। और फ्रेंड्स, ये है बेबी के लिए, इससे हम बेबी को अपने शरीर से बांध लेते हैं। बच्चों के कपड़े को इंग्लिश में हम वंजी बोलते हैं। वंजी मीन्स बच्चे का कपड़ा। बच्चे के खिलौने को इंग्लिश में हम टेडी बियर बोलते हैं। टेडी बियर मीन्स बच्चे का खिलौना। बच्चे की गुड़िया को इंग्लिश में हम डॉल बोलते हैं। डॉल मीन्स बच्चे की गुड़िया। पहियेदार बच्चा गाड़ी को इंग्लिश में पुश चेयर या फिर स्ट्रोलर या फिर बगी बोलते हैं। पुश चेयर या फिर स्ट्रोलर या फिर बगी, आप इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऊंची कुर्सी को इंग्लिश में हम हाई चेयर बोलते हैं। हाई चेयर मीन्स ऊंची कुर्सी। लंगोट को इंग्लिश में हम डायपर और नेपी बोलते हैं। डायपर या फिर नेपी। लंगोट के बैग को इंग्लिश में हम डायपर बैग या फिर नेपी बैग बोलते हैं। डायपर बैग या फिर नेपी बैग। बच्चे के खाने को इंग्लिश में हम बेबी फूड बोलते हैं। बेबी फूड मीन्स बच्चे का खाना। बच्चों का तेल को इंग्लिश में हम बेबी ऑयल बोलते हैं। बेबी
ऑयल मीन्स बच्चों का तेल। और फ्रेंड्स ये है बेबी वाइप। और फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं बेबी लोशन, बेबी लोशन। और फ्रेंड्स बच्चों के पाउडर को इंग्लिश में हम बेबी पाउडर बोलते हैं, बेबी पाउडर। और फ्रेंड्स बच्चों के साबुन को इंग्लिश में बेबी सोप बोलते हैं, बेबी सोप। और फ्रेंड्स ये है स्वेदल ब्लैंकेट, स्वेदल ब्लैंकेट। और फ्रेंड्स आज का कुछ है कि लंगोट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।